है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं जो है ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग B110 फ़ोन है। दोस्तों इसके आल के पैड के बारे में बताऊंगा कि आल के पैड की सप्लाई कहां से कहां तक जाती है। यदि आपकी कोई भी सप्लाई मान लीजिए इसमें से ब्रेक हो गई है तो आपकी सप्लाई कहां पे जाएगी, आप कहां से जंपर लगाओगे तो आपकी जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा दोस्तों। और इसके पावर बटन के बारे में भी बताऊंगा कि इसकी पावर बटन की सप्लाई आपको जो है कहां पे जाएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने इस वीडियो जो है इस मोबाइल के बटन का जो है डायग्राम बना लिया है दोस्तों अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बटन की सप्लाई कहाँ पे जाती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये जो किनारे किनारे की सप्लाई है इसको हम माइनस मान लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए जो है किनारे किनारे की सप्लाई को इसको हम माइनस मान लेते हैं, जो किनारे किनारे की सप्लाई है इसको हम माइनस मान लेते हैं, और जो ये बीच की सप्लाई है इसको हम प्लस मान लेते हैं दोस्तों। दो सप्लाई होती हैं, किनारे वाले को हम जो है माइनस मानेंगे और बीच वाले को प्लस मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम माइनस सप्लाई की बात करेंगे तो माइनस ओके की सप्लाई जो है माइनस ओके से होते हुए आपका जो है एक नंबर पर जाती है, एक नंबर से आपका जो है दो नंबर पर जाएगी, दो नंबर से तीन पर जाएगी, तीन नंबर से आपका जो है यहाँ से भी डाउन पे भी जाती है सप्लाई दोस्तों। ये जो है पांचों सप्लाइयाँ एक होती है दोस्तों। यदि मान लीजिए आपका ये एक नंबर की सप्लाई ब्रेक है और ओके नंबर पे सप्लाई आपकी आ रही है तो आप यहाँ से यहाँ तक जंपर लगा दोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, सभी आपका बटन काम करने लगेगा दोस्तों। अब हम माइनस काल की बात करेंगे दोस्तों। तो माइनस काल की सप्लाई जो है माइनस लेफ्ट में जाती है और जो है मीनू में जाती है दोस्तों। ये तीनों सप्लाइयाँ मतलब एक होती हैं। देखिए काल से लेफ्ट में, लेफ्ट से फिर मीनू में। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे चार नंबर सप्लाई की, माइनस चार नंबर की। ये देखिए मतलब जैसे मान लीजिए आप मीनू की सप्लाई ब्रेक हो गई है और कार पे आ रही है तो आप जंपर लगा के ठीक कर सकते हैं। अब हम माइनस फोर की बात करेंगे तो माइनस फोर की सप्लाई जो है दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। माइनस फोर की सप्लाई, माइनस फोर की सप्लाई पाँच पर जाती है, उसके बाद छः नंबर पर जाती है, छः नंबर पर आप उससे जो है बैक पर जाएगी दोस्तों। ये जो है चारों सप्लाइयाँ एक होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों माइनस सात के सप्लाई के बारे में। तो माइनस सात की सप्लाई जो है माइनस आठ पर जाएगी, और माइनस आठ से माइनस नौ पर जाएगी और वो अप पर जाएगी। ये चारों सप्लाइयाँ मतलब एक होती हैं माइनस की। यदि इसमें से कोई भी सप्लाई आपकी ब्रेक है तो कहीं भी जंपर लगा के आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो है स्टार, स्टार की हम सप्लाई की बात करेंगे, माइनस की बात की तो माइनस स्टार से जो है जीरो पर जाएगी, जीरो से फिर हाज पर जाएगी और हाज से फिर राइट पर जाएगी दोस्तों। ये चारों सप्लाइयाँ एक होती हैं दोस्तों। ये हमारा लगभग माइनस की सप्लाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लस वाली सप्लाई के बारे में। अब ये देखिए पावर बटन की सप्लाई जो है माइनस की जो है जीएनडी होता है, ये माइनस ही होता है, इसका कहीं भी जंपर आप लगा सकते हैं। और प्लस की सप्लाई के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा लास्ट में। और ये देखिए ओके ओके बटन प्लस की सप्लाई की हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम प्लस बटन पर जाते हैं। प्लस बटन की ओके बटन से जो है बैक बटन पर जाएगी, बैक बटन पे जाएगी। उसके बाद हम देखिए कॉल बटन प्लस की सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो कॉल बटन से सप्लाई होते हुए आपकी जो है दो नंबर पे जाती है, दो नंबर से आपके जो है पांच नंबर पे जाएगी, पांच नंबर से फिर आठ नंबर पे, और आठ नंबर से फिर जीरो नंबर पे जाएगी। ये पांचों सप्लाइयाँ मतलब एक होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मीनू, मीनू वाली सप्लाई प्लस वाली सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो मीनू वाली सप्लाई मीनू से जो है एक नंबर, एक नंबर से मतलब चार नंबर, चार नंबर से फिर पाँच, सात नंबर, सात नंबर से फिर स्टार पे। ये मतलब पांचों सप्लाइयाँ एक होती हैं दोस्तों। पांचों सप्लाइयों की एक होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों तीन नंबर की। तो तीन नंबर की सप्लाई तीन नंबर से होते हुए आपका छः नंबर पर जाएगी, छः नंबर से फिर नौ नंबर पर, नौ नंबर से फिर आज पे। ये मतलब चारों सप्लाइयाँ एक होती है दोस्तों। अब हमारा बाकी बचा लेफ्ट डाउन और जो है राइट अप। ये मतलब चारों सप्लाइयाँ एक होती हैं, लेफ्ट डाउन राइट और अप। अब हमारा बचा है पावर बटन। ये चारों सप्लाइयाँ मतलब एक हो गई। अब हम पावर सप्लाई के बारे में, प्लस की सप्लाई के बारे में बताऊंगा कि मतलब पावर की सप्लाई की जो है कहाँ से आती है दोस्तों। तो ये सारा हमारा जो है कम्प्लीट हो गया दोस्तों। ये प्लस माइनस की सप्लाई सारे बटन की कम्प्लीट हो गई है।
यदि आपकी कोई भी जम्पर लगाना हो तो आप इस तरीके से जम्पर लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम प्लस की सप्लाई के बारे में बात करेंगे पावर बटन के। तो पावर बटन की सप्लाई जो है प्लस की कहाँ पे जाती है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में ये देखिए जो सीपीयू लगा हुआ है, ये आईसी, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ यहाँ पे सप्लाई आती है दोस्तों। चलिए आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसकी सप्लाई आएगी दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।